आप सब लोगों को नमस्कार। आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत अच्छी खबर देने के लिए आया हूँ। एक ऐसी खबर जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे, हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाएगा। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, और अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपाने के लिए, छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना। कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे। ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है, और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है, दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं, और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे अपना अच्छा करियर बना बना के अपने अपने परिवारों की गरीबी दूर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर पूरी देश, पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, दिल्ली के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, हर भारतवासी का आज सीना चौड़ा है। मैं सभी भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई। इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए वहां पे। मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब ये है कि मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया। एक तरह से मनीष सिसोदिया जी दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। ये बहुत बहुत गर्व की बात है। न जाने कितने सालों के बाद, मुझे तो पुराना कोई याद नहीं आ रहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में कोई इतनी बड़ी पॉजिटिव स्टोरी छपी हो। कुछ नेगेटिव स्टोरीज तो देखी हैं मैंने। साल 2 साल पहले छपा था कि कोरोना में सबसे ज़्यादा मौतें हो गई भारत में, और कई सारी देखी, लेकिन पॉजिटिव इतनी बड़ी स्टोरी, बड़ी बात है। परसों ही, आपको याद होगा, परसों ही हम लोगों ने ऐलान किया था कि हमें भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है, 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है, 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाना है। अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत थमेगा नहीं, हम सब लोगों को मिलकर भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है। परसों ही हम लोगों ने ऐलान किया था, और कल ये खबर छप गई। बहुत बड़ी बात है। एक तरह से कुदरत हमारा साथ दे रही है, भगवान हमारा साथ दे रहा है। भारत का दुनिया का नंबर वन देश बनने का जो सपना है 130 करोड़ लोगों का, वो सपना अब साकार होने लगा है। समय लगेगा, मेहनत लगेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, पर अच्छी चीज़ ये है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हम सब लोगों की, भारत के लोगों की मदद कर रही है। बहुत बड़ी बात हो रही है। भारत 75 साल पहले आज़ाद हुआ। लोग पूछ रहे हैं कि इन 75 सालों में कई छोटे छोटे देश हमारे बाद आज़ाद हुए, वो हमसे आगे बढ़ गए, दूसरे देश हमसे आगे बढ़ गए, भारत पीछे क्यों रह गया? जबकि भारत के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, भारत पीछे क्यों रह गया? पूरी पूरे भारत के लोग जानना चाहते हैं, भारत के लोग पूछ रहे हैं। अगर हम लोगों ने इन्हीं पार्टियों और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया, तो अगले 75 साल भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगले 75 साल भी यूं ही बीत जाएंगे, भारत पीछे रह जाएगा। 130 करोड़ लोगों को साथ आना पड़ेगा। अड़चनें भी बहुत आएंगी, आसान काम नहीं है, बहुत तंग करेंगे, बहुत अड़चनें आएंगी, बहुत तरह की दुविधा पैदा करेंगे। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए।
तो अड़चने बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है, ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतेंद्र जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके, कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें, उनको ऊपर से आदेश है कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश है अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा, अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। अब एक ही अपना मकसद है, इनके भरोसे अगर देश छोड़ दिया तो ये लोग भारत को कभी आगे नहीं आने देंगे, हमेशा टांग खींचेंगे। अब 130 करोड़ लोगों को मिलके भारत को आगे ले जाना है। आज मैं एक नंबर जारी कर रहा हूं, मिस्ड कॉल नंबर 9510000, मैं दोबारा बोल दूं 9510000 मिस्ड कॉल नंबर है। जो जो लोग इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं, जो जो लोग भारत को दुनिया का नंबर वन देश देखना चाहते हैं, जो जो लोग भारत को सबसे शक्तिशाली बनते हुए देखना चाहते हैं, जो जो लोग भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र देखना चाहते हैं, इस मिशन में जुड़ो, इस नंबर पर मिस्ड कॉल करो। आप भी करो और सबसे कराओ, और सारे मीडिया वालों से भी मेरी विनती है, इस नंबर का खूब प्रचार करो। ये देश आपका भी है, ये देश हमारा सबका है, इस नंबर का खूब प्रचार करो। हमें 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ना है। आप चाहते हो ना कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर रोज भारत की खबर, अच्छी खबर छपनी चाहिए, और न्यूयॉर्क टाइम्स क्यों? आप चाहते हो ना कि फ्रांस के, लंदन के, जापान के, नॉर्वे के, स्वीडन के, हर देश के फ्रंट पेज के ऊपर भारत छाया होना चाहिए, तो हम 130 भारत करोड़ भारतीयों को एक साथ आना पड़ेगा। अपने अपने फोन उठाओ, मैं फिर से नंबर कर रहा हूं 9510001000, 9510001000, इस नंबर पे मिस्ड कॉल करो, इस मिशन के साथ जुड़ो। अड़चने फिर से मैं कह रहा हूँ बहुत आएंगे, बहुत बीच बीच में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत थमेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सच सिर्फ हम दिखाते हैं,